स्वागत है सभी खबरें के बाद। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मृत मरीज के परिवार से मरीज के शव के एवज में 5,000 रुपए लेने का मामला प्रकाश में आया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने रिम्स के उपाध्यक्ष से शिकायत भी की है, लेकिन उपाध्यक्ष अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता सत्यव्रत किरण। अस्पताल रिम्स अगर आपका कभी आना हुआ होगा तो जैसे ही आप रिम्स आएंगे, आपको रिम्स के हर अलग जगह पर जो है वो इस तरह का एक सूचना पत्र देखने को मिलेगा, जिसमें दलालों से सावधान रहने के लिए जो है वो आपसे आग्रह किया जाएगा, आदेशानुसार जो है उपाधीक्षक रिम्स के द्वारा। लेकिन रिम्स के ही एक कर्मचारी ने एक ऐसा कारनामा किया है, एक अद्भुत कारनामा किया है, जिसे सुनकर आप भी शायद बेचैन हो जाएंगे। आप देखिए, यह सिमडेगा से कुछ परिवार के लोग हैं जो कि रिम्स पहुंचे थे अपने मरीज का इलाज कराने के लिए, लेकिन रिम्स के ही एक कर्मचारी ने इनके मरीज को, यानी कि जो इनके मृत मरीज थे, उन्हें जिंदा कर दिया और इनसे 5,000 रुपए ठग लिए। बोला कि आप पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, बोला इसलिए 5,000 रुपए लेकर निकाल दिया था। तो आपके मरीज का सड़क दुर्घटना हुआ था, PIR होता है, यानी पुलिस केस होता है, उसमें तो पोस्टमार्टम करना जरूरी होता है। होता है, लेकिन मैं उतना जानकारी नहीं था ना सर, अकेला था इसलिए। 5,000 रुपए कौन मांगा था? याद नहीं हो रहा है उसका कौन है। अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कागज मांगने के लिए, मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए आए। क्या बोले यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं साहब लोग? अभी तक कुछ नहीं बोला है सर, बोलता तो अभी तक काल से रात भर गुजरा, लेकिन अभी तक पूरा जांच की, लेकिन जो व्यक्ति को पैसा दिया उसको अभी तक नहीं मिला है, और हम लोग जांच कर रहे हैं अभी तक, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। अब मिल जाएगा तो उसको हम फोटो खींच करके हम रख लेते, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सिमडेगा के यह ग्रामीण है, ऐसे लोग जब रिम्स आते हैं तो हमेशा दलालों के चुंगल में फंस जाते हैं, और यही कारण है कि इनके डेड बॉडी को रिलीज करने के लिए रिम्स के कर्मचारी ने 5,000 रुपए आर्थिक रूप से कमजोर इन भोले भाले परिवार के लोगों से ठग लिया। लेकिन अब तक रिम्स के जो हाकिम है वो नींद में सोए हुए हैं, और पिछले 2 दिनों से यह परिवार रिम्स में भटक रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक इस परिवार के सदस्य को ना ही डेथ सर्टिफिकेट दिया गया और ना ही इस बात का पता लगाया जा सका कि आखिर रिम्स के किस कर्मचारी ने इन्हें अपना शिकार बनाया और उनके साथ ठगी की। सहयोगी कैश के साथ सत्यव्रत किरण, News 11 राज्य के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।